ये सड़ी हुई है देख सकते हैं आप, ये सारे करतूत इसके ये सड़ी हुई। चलो रंगे पीछे मुड़ के क्यों देख रहे थे मुझे गाइस, हम आप छाने जा रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो लड़कियों की सक की बीमारी होती है तो कहीं नहीं जा सकते, तो सक की बहुत बड़ी बीमारी होती है। और हम फिर से उसी पुरानी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ये गाय है, यहाँ पर बकरी भी है, जैसे कि हम आपको पहले दिखा चुके हैं। क्या क्या क्या, वो लड़की शर्मा गई है। अरे ये नाक था, मैं पता नहीं क्या समझ रही अपने आप को, जैसे कि मैं हूँ क्या। ये दोनों बहनें हैं, बोलते हैं ना अपने घर पे कुत्ता भी शेर बनता है, वही सीन हो रहा है। पर सब करीम का कमाल गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर इन लोगों ने बीन्स लगाई हुई है काफी ज्यादा, तो इनकी नकदी फसलें हैं, तो बहुत ही ज्यादा फायदा इनका। और इस खेत में देखो आप, ठीक है अरबी, तो 6 महीने में आ जाती, 3 महीने 6 महीने तो लग जाते होंगे, तो काफी फायदा इन लोगों का। मुझे जो सबसे बेस्ट लोकेशन लगती है यही लगती है, दिखाते हैं आपको आगे। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर एक गाय सूखा घास खा रही है। गाइस आप देख सकते हो राजमा भी लगी हुई खेतों पर। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर बांस के पेड़ हैं छोटे छोटे से, इनका छोटा सा जंगल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लोकेशन, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बांस के पेड़ हैं छोटे छोटे, और आने वाले टाइम पे ओए गिर गिट गया भी देख सकते हैं गाइस। तो अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर हम कहाँ पर हैं, देखिए इतनी भयानक लोकेशन, ये देखो यहाँ से बड़े बड़े पहाड़ नीचे दिख रहे हैं, चींटी के बराबर दिख रहे हैं। नैनवाग का वो सुमन क्या रही है उसके ठीक वहाँ पेट्रोल पंप है ना, सुमन नैनवाग ये वाला है उसके ठीक इधर नैनबाग है, ये गाड़ियाँ आगे। अच्छा ये नैनबाग, ये पेट्रोल पंप है यहाँ सुमन क्या। अच्छा और ये वो रास्ता, ये प्रोला हाईवे रोड है। अच्छा गंगोत्री यमुनोत्री, और नीचे स्विमिंग पूल दिख रहा है। कोपटी ताल है, मुझे नहाना था यहाँ पर लेकिन मौका नहीं मिला, घर नहीं रहता। ये पार मसूरी। तो दोस्तों आपको ये बताएंगे रवीना कि ये अरबी की फसलें कैसे कैसे उगाई जाती है, और जोर से बोलो अरबी लगाया जो कि 6 महीने में इसकी गुड़ाई 3 बार करनी पड़ती है, एक बार
मिट्टी लगाई जाती है, पुराई पुराई की जाती है, कुछ फायदा होता है इससे? मतलब अरबी बाहर नहीं निकलेगी। क्या रेट, क्या रेट जाती है आपकी ये वाली अरबी? ये मार्केट में, मंडी में हाँ। जैसे मंडी में भाव होगा, जैसे आगे इसकी मांग, इस बार जैसे कि पाकिस्तान ने व्यापार करना बंद कर दिया था हाँ। जो अरबी है इंडिया की वो पाकिस्तान में जाती है। अच्छा, तो इस बार बंद कर दिया था तो भाव बहुत ही कम, किसान इस बार बहुत परेशान हुए। अच्छा, मेहनत करके उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इंडिया में ये पूरे इंडिया के लिए हो जाए, बाहर तो भेजने के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है गाइस, जो इंसान में सबसे ज़्यादा अरबी की फसल की जाती है जो कि 6 महीने में उगाई जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा और फसलें ज़्यादा उगाई नहीं जाती है जिससे बंदर बता खात का नाम नाक था क्यों पड़ा बता। तो दोस्तों ये रिंकी आपको बताएगी, नहीं पता बेइज्जती करवाई तो रिंकी आपको बताएगी, मेरे को नहीं पता। बताओ ऐसा, आप बताओ ना, आपका तो बोलना अच्छा बता। मतलब घास रुकता था वहाँ पे, तो घास आ जाती थी वो गाय, जैसे आज चली और दूसरे दिन के लिए फिर से जमता हो इतना लो। तो ऐसे बताना, हमें तो पता भी नहीं है, इस तरह से बताना कभी नहीं जिंदगी में। नहीं खाए मोमो, डेली मोमो खाती है इसकी। तो जिस दिन शादी थी उस दिन भी इसने 2 प्लेट खा गई अकेले। अब बताओ जब पूछा नहीं नाराज नहीं ना। दोस्तों ये बांध के पत्ते हैं, इसको हम खाएंगे। गाइज अगर ये बान के पेड़ अगर बहुत ज्यादा, अगर इधर ज्यादा हो जाएंगे तो इधर बर्फ भी ज्यादा टिक पाएगी, क्योंकि अभी ये बर्फ ज्यादा, यहाँ बर्फ ज्यादा नहीं टिक पा रही है जिसमें, क्योंकि इधर काफी बर्फ भी पड़ती है और यहाँ पर मौसम हर टाइम ठंडा ही रहता है ज्यादातर। पहाड़ सबसे टॉप की जगह पर है बसा हुआ एक बार था, और यहाँ पर लोग खेती बाड़ी भी करते हैं बहुत अच्छी। और यहाँ पर जैसे कि बताया था रवीना ने कि यहाँ पर अरबी उगाई जाती है, बीन्स उगाई जाती है, तो ये सारी नकदी फसलें हैं, जैसे मूली हुई, टमाटर, टमाटर तो नहीं होते, मटर वगैरह वगैरह। अब टमाटर भी होंगे क्योंकि अब पानी आ गया ना, यहाँ पर पानी की काफी दिक्कत थी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यमुना जी है नीचे, वहाँ से पानी अब यहाँ आता है ऊपर, क्योंकि सरकार ने काफी फायदा दिया है यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ से पाइप में फुल पानी आ रहा है नागसात में, और अभी कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हम पत्थरों की दीवार के ऊपर चल रहे हैं और काफी डर भी लग रहा है, तो काफी हाइट पे है वो भाई, काफी डर लग रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया यहाँ पर ये कि रोड सबसे अच्छी है यहाँ पर, सरकार ने यहाँ पर काम किया है, रोड अच्छी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गड्ढे यहाँ पर बनाए गए हैं, तो ये गड्ढे वैसे क्यों बनाए गए हैं वैसे? ये पानी रोकने के लिए। अच्छा, पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो इतने में नमी रहेगी, आगे हम इसके आगे छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे, नीचे दूसरा गड्ढा बनाओ ये छोटे छोटे उसके लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो इनकी छानियों में कितनी अच्छी व्यवस्था है, देख सकते हो यहाँ पर गाय है और छानी भी है, और यहाँ पर देख सकते हो आप पानी भी है नजदीकी, तो इनकी काफी सुविधा हो चुकी है आप देख सकते हो। और ये है, इससे हम घास को काटते हैं गाय को ताकि आसानी हो घास खाने में। हाय, देख कहाँ से आया,
ओके गाइस, तो हमने गाय का दूध निकाल लिया, अब हम घर की तरफ जाते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके बीच में ला सकें। ओके गाइस, बाय।